नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष झा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद से। आज मैं आप सबके साथ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी घुटना प्रत्यारोपण के बारे में कुछ बातें करूंगा। नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी क्या होता है? घुटने के अंदर जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुँच जाती है और मरीज को अपने दिनचर्या के काम करने के लिए भी चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है और वह पेन किलर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, ऐसी स्थिति में हम मरीजों को नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। नी रिप्लेसमेंट का नाम सुनते ही अक्सर मरीज घबरा जाते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने कुछ तथ्य शेयर करेंगे जिससे मरीजों को यह मालूम पड़ेगा कि नी रिप्लेसमेंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन यह होता है कि नी रिप्लेसमेंट के दौरान हम पूरा घुटना बदल देते हैं। दरअसल पूरा घुटना बदलने के बजाय घुटने के अंदर जो कार्टिलेज की परत होती है इसी को बदला जाता है और इसी प्रक्रिया को नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। मरीज ये समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद उन्हें कम से कम महीने डेढ़ महीने तक बिस्तर पे पड़े रहना होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद मरीज अगले दिन ही वॉकर के सहारे चल फिर सकता है। मरीज़ों को ये भी डर रहता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद ऑपरेशन के बाद हमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आजकल हम एक नई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहा जाता है। इसमें पेशेंट के रीढ़ की हड्डी में एक बहुत ही बारीक सी नली लगाई जाती है जिसके ज़रिए धीमे धीमे थोड़ी मात्रा में दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ लगातार 3 से 4 दिन तक चलती रहती हैं। इसके कारण ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द बिल्कुल ना के बराबर महसूस होता है। मरीज को 3 से 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखने के बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं। मरीज को ऑपरेशन के बाद कम से कम 6 हफ्ते फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और यही यह तय करता है कि मरीज की रिकवरी कितनी अच्छी होगी। नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद मरीज क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? मरीज़ को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसकी पेन किलर्स के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है और मरीज़ के चलने फिरने की जो क्षमता है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। अक्सर मरीज वो सारे काम जो अपने घुटने के दर्द के कारण नहीं कर पाते थे, जैसे सोशलाइजेशन या वॉक के लिए जाना या लोगों से मिलना जुलना, वह सब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि नी रिप्लेसमेंट की लाइफ कितनी होती है। आजकल जो बेहतर क्वालिटी के इम्प्लांट आए हैं जिनके ऊपर आजकल गोल्ड की कोटिंग्स पाई जाती है, इन सब के साथ कंपनियों का दावा है कि ये इम्प्लांट 20 से 25 साल तक बिना किसी दिक्कत के आपके शरीर में रह सकते हैं। हालांकि ये भी देखा गया है कि कई इम्प्लांट मरीज के लाइफ टाइम तक भी मरीज़ के साथ ही रहते हैं। नी रिप्लेसमेंट के सर्जरी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ज़्यादातर केसेस में हमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं महसूस होता है, लेकिन 2 कॉम्प्लिकेशन के लिए हम ऑपरेशन के बाद लगभग 1.5 महीने तक बिल्कुल सजग रहते हैं। उनमें से पहला कॉम्प्लिकेशन होता है इन्फेक्शन का, यानी कि घुटने के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। इसको बचाने के लिए मरीज़ को हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और सर्जरी के दौरान हम खास व्यवस्था लगाते हैं कि ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना कम से कम रहे। दूसरी दिक्कत जो कॉमनली मरीज़ महसूस कर सकता है उसे DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जिसमें पैर के वेन्स के अंदर खून के थक्के जम जाते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए हम मरीज़ों को दवाइयां भी देते हैं और मरीज़ों को अलग से यह भी सलाह देते हैं कि प्रतिदिन वो ऑपरेशन के बाद कम से कम 3 से 4 बार वॉकर के सहारे ज़रूर चलें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट एक जटिल सर्जरी है, लेकिन आपके और हमारे सहयोग से यह बहुत ही आसान बनता जा रहा है। मणिपाल हॉस्पिटल की टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपको एक बेहतर लाइफ देने के लिए। अपने घुटने के दिक्कतों की वजह से अगर आप अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो आएँ मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में और नी रिप्लेसमेंट के साथ एक नई आशा की किरण के साथ वापस जाएं। धन्यवाद।